राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के मौसम में आज बदलाव आया है। मानसून का इंतजार कर रहे लोगों को गुरुवार सुबह तक राहत मिली है। वहीं जब कई इलाकों में तेज बारिश हुई, बारिश की वजह से पिछले कई दिनों से पड़ रही चिपचिपी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। दिल्ली NCR के इलाकों में आज आंधी तूफान का भी अलर्ट है। मालूम हो कि बीते कई दिनों से राजधानी का तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ था। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि आज 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। राजधानी दिल्ली में आज या फिर कल मानसून की दस्तक होनी भी संभावनाएं जताई जा रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिल्ली में 30 जून या फिर 1 जुलाई को मानसून का आगमन हो सकता है। अब आज सुबह हुई बारिश के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान सही साबित हुआ है, क्या दिल्ली में मानसून की दस्तक हो गई है। हालांकि मौसम विभाग ने मानसून की एंट्री पर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। वहीं दिल्ली NCR में आज सुबह के साथ तेज हवाएं भी चली और इसके चलते मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है, साथ ही बारिश भी शुरू हुई है। वहीं मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक दिल्ली में बारिश के आसार जताए हैं। दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। आज मध्यम गति से बारिश हो सकती है। 1 जुलाई को आसमान में बादल छाए रहेंगे जबकि ठीक ठाक बारिश भी होगी। वहीं 4 जुलाई को भारी बरसात के साथ आंधी तूफान आने की भी भविष्यवाणी की गई है। मौसम विभाग ने गुरुवार सुबह पूर्वानुमान जारी किए कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अगले कुछ देर में दिल्ली NCR, हरियाणा, UP, राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश होगी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और NCR के आसपास 30 से 40 किलोमीटर घंटे की गति से 7 हवाएं और हल्की से मध्यम तीव्रता वाली बारिश होगी। इसके अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर, बल्लभगढ़, कैथल, पानीपत, गोहाना, गन्नौर, महम, सोनीपत, रोहतक, खरगोदा, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, कोसली, महेंद्रगढ़, सोहाना, रेवाड़ी, पलवल, नारनौला, बावल, नू, सहारनपुर, देवगढ़, नजीबाबाद, मुजफ्फरनगर, वहीं बिजनौर, खतौली, सकौटी, ठंडा, हासनीपुर, चांदपुर, बतौड़, दौराला, बागपत, मेरठ, मोदीनगर, अमरोह, मुरादाबाद जैसी जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया था। इसके लिए IMD ने गुरुवार के लिए दोनों जगह ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं। वहीं UP और उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए बीते दिन मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आज हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक बताई जा रही है। वहीं दिल्ली में पिछले कई दिनों से मानसून का बेसब्री से इंतजार है। वहीं जो ये इंतजार अब खत्म होता दिख रहा है। वहीं स्काई मेट वेदर के वाइस प्रेसिडेंट ने इस पर ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि बिहार, उत्तराखंड, UP में मानसून की दस्तक हो चुकी है। जल्दी राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में भी आगमन होगा। गर्मी और तापमान से राहत मिलेगी। बता दें उड़ीसा और कर्नाटक, केरल समेत देश के ज्यादातर राज्यों में मानसून पहले ही पहुंच चुका है। इन राज्यों में ठीक ठाक बारिश हो रही है। वहीं कृषि विशेषज्ञों के अनुसार मानसून की बारिश फसलों को के लिए बेहद ही फायदेमंद पहुंचाएगी। दिल्ली में पिछले साल मानसून के आने में देरी हुई थी। वहीं IMD ने भविष्यवाणी की थी कि मानसून अपनी सामान्य तिथि से लगभग 2 सप्ताह पहले दिल्ली पहुंच जाएगा। हालांकि ये 13 जुलाई को राजधानी पहुँचा। ये 19 सालों में दिल्ली में सबसे देरी से पहुँचने वाला मानसून था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।